जब भी आपको ऊपर का बॉक्स सेटिंग करना हो तो बहुत सारे कारपेंटर भाई कन्फ्यूज में रहते हैं कि कितना हाइट में सेटिंग करें। तो ये हमारे किचन के टॉप है, ये किचन के टॉप से कम ये नीचे तक का बॉक्स के नीचे तक का ये हाइट होने चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सीटेक फर्नीचर। सो गाइज, आज हम बताएंगे किचन की जो हाइट होती है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो नॉर्मल क्या होता है, और जिसकी हाइट ज़्यादा हो जिसकी हाइट कम हो वो दोनों के लिए परफेक्ट रहे। अब इसमें लीजिए टॉप है हमारा, टॉप से लेकर के और ज़मीन तक यहाँ तक की 85 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यानी मार्बल प्रेस करने के बाद जब भी मार्बल लगाते हैं, मार्बल लगा करके 85 सेंटीमीटर होने चाहिए टाइल से लेकर के और ऊपर टॉप तक। ये किचन के बेस का साइज है। जब भी आपको ऊपर का बॉक्स सेटिंग करना हो तो बहुत सारे कारपेंटर भाई कन्फ्यूज में रहते हैं कि कितना हाइट में सेटिंग करें। तो ये हमारे किचन के टॉप है, ये किचन के टॉप से कम ये नीचे तक का बॉक्स के नीचे तक का ये हाइट होने चाहिए 70 सेंटीमीटर, ताकि जब भी चिमनी लगे तो उसका सेंसर आसानी से काम करे। उससे कम भी नहीं रखना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो सामान कोई भी आप जैसे आपने डोर ओपन किया, डोर ओपन करने में जब भी सामान निकालेंगे तो इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर सामान निकालने में आपको तकलीफ़ होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे हमारे चैनल बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।